जो लोग लाठियों के साथ मेरा स्वागत करने के लिए बैठे हैं सड़क पे, रोड को ब्लॉक करके भद्दी भद्दी गालियों के साथ स्वागत किया, कुछ लोग लाठियों के साथ संकेत किया कि आओ मारिए दबो। तो हमने कहा कि अगर आप चुनाव लाठी के दम से जीत जाएंगे तो ये मेरा सर है, इस पे लाठियां बरसाइए और चुनाव जीत जाइए। न्यूज हमें पहले ही मिल चुका था कि वहाँ किसी प्रकार की मुठभेड़ टाइप से होने वाली है, अगर उस दिन कैमरा नहीं होता, चैनल्स वाले नहीं होते हैं तो शायद उस दिन हिंसक घटना घट जाती। वो हिंसक घटना कितना विकराल रूप धरती वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन छिटपुट हिंसा हो जाती उस दिन। अगर वीडियो नहीं बनता तो मंत्री महोदया भी बैठी थी अपने पीढ़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो अपने मैंने चौखट पे दरवाजा, हाँ, तो फिर उनको हम प्रणाम किए और उनसे पूछे कि कैसा हाल समाचार है, तबीयत पानी ठीक ठाक है, खाना वाना खाएं कि नहीं, ये तीन चीजों पे मैंने बात किया और फिर मैं प्रणाम किया और आगे मैं निकला। हाँ, उन्होंने भी कहा था खुश रहिया सुखे रहिया। एक और संघर्ष के पूर्व साथी आपके तीर्थनाथ आकाश चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? नो डाउट संघर्ष किए हैं उन्होंने, लेकिन हमारे साथ उनका संघर्ष नहीं हुआ है, काफी कम समय में ही उनसे हम लोग अलग हो गए हैं। क्या लगता है बेरमो में इस बार बाहरी भीतरी का मुद्दा इस बार गर्म होगा? बाहरी भीतरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है शासक और शोषक। आज अनुप सिंह अगर चाहते तो बेरमो का 5 वर्षों में विकास कर सकते थे, करोड़ों की कोयले की कमाई, रैक का जिम्मा खुद उनके भाई को, उनके दामाद को, तो जीजा को, तमाम ट्रांसपोर्टिंग, तमाम आउटसोर्सिंग, तमाम जो कंपनियां वहां स्थापित होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर, सब में उनका कमीशन, करोड़ों का कारोबार। आप केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते बार बार किसी का टिकट दे के काट देते हैं और बहुत सारे विधानसभा में ऐसा किया है, तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखा जा रहा है? तैयारी कैसा है? तैयारी बहुत अच्छा है, जितनी एनर्जी है उस एनर्जी को झोंक दिए हैं। चुनाव के बाद शरीर की क्या अवस्था होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चुनाव तक जितनी ताकत है, इस 29 वर्षों में मैंने जितनी ताकत कमाया है इस ब्रह्मांड से, उस सारी ताकत को मैंने झोंक दिया है। कितने सीटों में रिजल्ट की स्थिति में देख रहे हैं आप? देखिए, रिजल्ट में हम लोग बहुमत की सीटों पर हैं और हमें साइलेंट वोटर मिलेंगे, जैसे केंद्र में मोदी जी को साइलेंट वोट जाता है। जयराम महतो के समर्थक, जलकेम के समर्थक, बदलाव के समर्थक बहुत हैं इस राज्य में और वो बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हल्ला के हमें साइलेंट वोट करेंगे। प्रचार आप किस प्रकार से कर रहे हैं? बहुत सारे लोग सभा करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बोर्ड वगैरह घुमा घुमा करके, बहुत सारे लोग पीआर का टीम को हायर करते हैं 15-20 लाख लगा करके, आप कैसे प्रचार कर रहे हैं? हम सीधा जनता से संपर्क कर रहे हैं। डुमरी विधानसभा, जहां से मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, एक एक पंचायत नहीं, एक एक गाँव नहीं, एक एक टोला को मैंने कवर किया और मैं एक एक टोला तक जा रहा हूँ, लोगों से संवाद कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को जान रहा हूँ और उन समस्याओं को समझते हुए उस पर चिंतन मंथन करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो प्रचार आप किस प्रकार से कर रहे हैं? आप गांव टोला मोहल्ला जाते हैं तो आपके जेएमएम के कार्यकर्ता हो चाहे अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हो, मन में तो रोष रहता है सबका, लेकिन कुछ लोग खुल के आके आपका अड़ जाते हैं, विरोध कर देते हैं। देखिए, आप शायद इनडायरेक्ट रूप से आप अलार्गो की घटना पे बात करना चाहते हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, चूंकि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं चश्मदीद भी हूँ और वह चूंकि मेरे ही विरोध में उस घटना को अंजाम दिया गया था, तो मैं आपको एक एक बिंदु से परिचित करवाता हूँ। मेरा उस दिन 6 पंचायत का दौरा था, चंद्रपुरा ब्लॉक, डुमरी विधानसभा, जिसमें बंदियो, अलार्गो, तारानारी, तरंगा, नर्रा और एक पपलो। मेरा पहला कार्यक्रम था बंदियो पंचायत में, वहाँ एक एक गांव घूमने में 2.5 घंटे लग गए हैं। उसके बाद मेरा अगला कार्यक्रम था अलार्गो पंचायत में, जो स्वर्गवासी और वर्तमान जो मंत्री महोदय हैं, स्वर्गवासी मंत्री जगन्नाथ महतो जी का और बेबी जी का अपना पंचायत है अलार्गो। जब बंदियो पंचायत का मैंने भ्रमण कर लिया तो अलार्गो में अब जाने की तैयारी में था, तो मुझे बंदियो पंचायत के 2-4 टोलों का कार्यक्रम बचा ही था कि सूचना मिली कि अलार्गो में जाने से आपको रोका जाएगा, वहाँ जो रोड है जिससे लोग गांव में प्रवेश करते हैं सड़क से, वहाँ पर जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता दबंगई अंदाज में बैठे हैं, हाथों में लाठियां हैं। तो पहले न्यूज मिल गया? न्यूज हमें पहले ही मिल चुका था 1-1.5 घंटा पहले कि वहाँ मतलब किसी प्रकार की मुठभेड़ टाइप से होने वाली है, तो हम बोले देखिए लोकतांत्रिक देश है, पीछे तो हम हटेंगे नहीं, और मैंने 2 साल से चुनौतियों को स्वीकार किया है, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जो लोग लाठियों के साथ मेरा स्वागत करने के लिए बैठे हैं सड़क पे, रोड को ब्लॉक करके, ब्लॉक करके ही बैठे थे, वो वीडियो में आपने भी देखा होगा, तमाम गाड़ियां खड़ी करके रखी थी अपोजिट साइड से, तो जब हम वहां गए तो जाते ही कुछ बात नहीं हुआ उन्हें, वे भी अगर प्यार से कुछ बातचीत करते कि नहीं आप चले, उन्होंने सीधे बहुत भद्दी भद्दी गालियों के साथ स्वागत किया, कुछ लोग लाठियों के साथ मतलब संकेत किया कि आओ मारिए दबो। तो हमने कहा कि अगर आप चुनाव लाठी के दम से जीत जाएंगे तो ये मेरा सर है,
इस पे लाठियां बरसाई और चुनाव जीत जाइए। तो उन्होंने देखा कि चूंकि कैमरा चल रहा था तो फिर उन्होंने स्वर बदला और लाठियों को भी साइड में रख दिया। अगर कैमरा नहीं होता, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर उस दिन कैमरा नहीं होता, वीडियोज नहीं होते, कुछ चैनल्स वाले नहीं होते हैं, तो शायद उस दिन हिंसक घटना घट जाती। वो हिंसक घटना कितना विकराल रूप धरती वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन छिटफुट हिंसा हो जाती उस दिन अगर वीडियो नहीं बनता तो। बड़ी बड़े मुंगरे लाठियां उनके हाथों में थी। फिर बातचीत होने लगी, कुछ लोगों ने कहा कि आपको अलार्गो में आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रत्याशी का घर है, यहाँ भी परंपरा है, कोई नहीं आता है। तो बातचीत होने लगी तो मैंने यही कहा कि जो प्रत्याशी है वो मंत्री है, वो आपके ही नहीं पूरे झारखंड के मंत्री है, मेरे भी मंत्री है, और मैं उनसे भी वोट मांगने की अपील करूंगा, उनके परिवार से करूंगा, और उनका आशीर्वाद तो एक बार मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो हमारी माता के समान है। तो फिर बोला नहीं, आपने अलार्गो के लिए क्या किया है? तो हमने वही तर्क दिया कि स्वर्गवासी माननीय जगन्नाथ बाबू ने 1990 से पहले क्या किया था, तो हम चुनाव जीते ही नहीं है तो हम क्या करेंगे आपके गाँव के लिए। तो मतलब अतार्किक बात वो करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? तो हमने कहा भाई उपचुनाव हम नहीं लड़े थे, हमने तो सम्मान किया, अब पीढ़ी दर पीढ़ी तो कोई सीट को नहीं छोड़ेगा। फिर बातें होने लगी तो उसके बाद कहा नहीं इस गांव में आप नहीं आ सकते हैं, यहाँ प्रत्याशी रहते हैं, ये परंपरा है। तो हमने कहा देखिए परंपराओं से भावनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता है, यदि आपको लगता है कि नहीं हम जाएंगे तो कोई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया हो कि उस गांव में कोई अन्य प्रत्याशी प्रचार के लिए नहीं जा सकता है, तो आप हमें सौंप करें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो फिर बोला नहीं 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 बात नहीं करना होगा, और फिर बद्दी बद्दी गालियां शुरू हो गई। तो हमने कहा कि नहीं हम तो प्रचार के लिए जाएंगे, हम अकेले क्यों ना जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं मुड़ेंगे क्योंकि इस गांव का मेरा शेड्यूल बना हुआ है, पर हम राज्य को एक नकारात्मक संदेश तो नहीं देंगे। उस गांव में आपके कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, आखिर हम गए वहां, मुझे पानी पिलाया गया वहां मेरा, जबकि हम तो रोड शो के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप कुछ बोलिए, तो फिर हम बोले और मंत्री महोदया भी बैठी थी अपने पीढ़ा जिसे हम लोग कहते हैं, तो अपने मैंने चौखट पे दरवाजा, हाँ, तो फिर उनको हम प्रणाम किए और उनसे पूछे कि कैसा हाल समाचार है, तबीयत पानी ठीक ठाक है, खाना वाना खाएं कि नहीं, ये तीन चीजों पे मैंने बात किया और फिर मैं प्रणाम किया और आगे मैं निकला। हाँ, उन्होंने भी कहा था खुश रहिया सुखे रहिया, ये बात उन्होंने बोला। तो शरीर में डर नहीं था, कोई ईटा पत्थर नहीं? हम तो अब बंदियों में हमको सूचना मिला है कि वो लाठी से स्वागत हो रहा है, हम अगर डर होता तो हम जाते ही नहीं है। अरे आप झारखंड का भविष्य, तो आपको अगर कोई डैमेज करता, ये चीज हम अपने साथियों से कहते हैं कि ध्यान रखिएगा आपकी ओर से कोई अग्रेसर नहीं होना चाहिए, हम प्रत्याशी हम संभाल लेंगे, ये सच्चाई है। जो व्यवहार उनका था, अगर मीडिया और कैमरा शायद नहीं होती तो मुझे लगता है कोई अप्रिय घटना घट सकती थी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये परंपरा से राजनीति नहीं, राजनीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों से चलती है। इस पर्दे के पीछे कौन हो सकता है? देखिए ये आप देखिए, सबसे पहली बात है मंत्री महोदया बहुत शालीन है, एक नारी है, वो भी भली भांति प्रेम दया उनके अंदर है, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ता इस बात में सत्यता है, वो दबंगई से माफिया की तर्ज पे और गुंडई के तर्ज पे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। डुमरी से उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में दिख रहा है, समाप्त होता हुआ दिख रहा है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और उनका वो कृत्य इसी बात का प्रमाण कर रहा है। एक और संघर्ष के पूर्व साथी आपके तीर्थनाथ आकाश चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए हाँ, संघर्ष हमारे साथ नो डाउट संघर्ष किए हैं उन्होंने, लेकिन हमारे साथ उनका संघर्ष नहीं हुआ है, काफी कम समय में ही उनसे लोग अलग हो गए हैं। हमें लगता है मानव श्रृंखला पहला बात तो एक महीना वो अंडरग्राउंड थे कोई केस के सिलसिले में, फिर जब मानव श्रृंखला के बाद वो फरवरी का 6-7 तारीख को एंट्री होती है, हमें लगता है मिड फरवरी आते आते 10-15 दिनों में, हम लोग तो मार्च में ही जेबी केसेस बना लिए थे जेबीएस से हटके, तो हमें लगता है उनका साथ मेरा एक आंदोलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 15 से 20 दिनों का होगा। तो संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन हम लोग एक दूसरे के संघर्ष के साथ ही कभी नहीं रहे। क्या लगता है बेरमो में इस बार बाहरी भीतरी का मुद्दा इस बार गर्म होगा? देखिए बाहरी भीतरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है शासक और शोषक। आज जिस प्रकार से आप अनूप सिंह की बात कीजिए, आज अनूप सिंह अगर चाहते तो बेरमो का 5 वर्षों में विकास कर सकते थे, करोड़ों की कोयले की कमाई, रैक का जिम्मा खुद उनके भाई को, उनके दामाद को, तो जीजा को, तमाम ट्रांसपोर्टिंग, तमाम आउटसोर्सिंग, तमाम जो कंपनियां वहां स्थापित होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर, सब में उनका कमीशन, करोड़ों का कारोबार। तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई शोषित वंचितों की एक आवाज है, जिन लोगों ने झारखंड को दबाया है, सताया है, और आउटसाइडर्स तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, झारखंड उनके लिए नहीं बना है, झारखंड झारखंड के मूलवासियों के लिए बना है। झारखंड के तमाम सपोर्टर को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया को भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं इतना इन दिनों? देखिए संभव नहीं है, पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, खुद 2 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, प्लस 20 घंटा खटते हैं, 4 घंटा सोते हैं, 20 घंटा खटते हैं, और खटने के क्रम ही खाना खाते हैं,
घटने के दौरान ही खाना खाते हैं। देखिए खाना लेके तैयार है, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो घटने के क्रम ही खाना खाते हैं। तो 18 से 20 घंटा का हम लोग का संघर्ष है, मीडिया से समय मुखातिब नहीं हो पाते। पहले हम लाइव आते थे, अब मेरा लाइव में लाइव होता ही नहीं है, मतलब समय नहीं मिल पाता है। आप केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते बार बार किसी का टिकट दे के काट देते हैं और बहुत सारे विधानसभा में ऐसा किया है, तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखा जा रहा है? नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट का सवाल नहीं है, नई पार्टी है। जब बड़ी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसा हो सकता है, तो हम लोग एक नई जेलकेम पार्टी है। जब हम लोग परिपक्व होते जाएंगे तो ये समस्याएं आपको फिर कभी भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, जो कि 18 दिन का टाइम बचा प्रचार प्रसार करने के लिए, बहुत ही मुश्किल से टाइम दिए हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? कहाँ दिए, ये तो हम लोग भोजन करने के लिए बैठे थे, आप भी यहाँ है तो इसीलिए बात हो गई, टाइम कहाँ दे पा रहे हैं। जी हाँ, बिजी शेड्यूल बहुत ही ज्यादा है। देखिए चलते बोलते खाना पीना भी खाते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रहेगा, जोहर रहेगा।